Hello guys, welcome to my YouTube channel, myself Lalit Suraswa. This video is about list operations in Python. So let's start. So the first operation that we have to consider is reassign a value in list at a certain index. For example, just a manic list create here 1 1 1. Okay, ye list kya contain kar rahi hai? 1 1 1 1 1. Okay, agar mereko ye jo first element hai iski jagah 2 store karwana hai aur iski jagah 4, to kaise reassign karwaunga main? With the help of index value x. Theek hai, jo first element hai iski index value kya hai? 0. Theek hai, और ये अपना असाइनमेंट ऑपरेटर है. ठीक है, इक्वल्स टू साइन असाइनमेंट ऑपरेटर. ओके, सो मेरे को 2 असाइन करवाना है, तो मैं यहाँ पे सिंपली 2 लिख के एंटर प्रेस कर दूंगा. ठीक है, अगर अब मैं एक्स मतलब अपनी लिस्ट को प्रिंट करता हूँ, ठीक है, और जो अपना सेकंड एलिमेंट है इसकी जगह मेरे को असाइन करना है 4, एक्स इंडेक्स वैल्यू क्या है? 1 4. ओके, ऐसे ही अपन सिंपली जो सेकंड है उसकी जगह 3 कर देंगे. ओके, देन अपन अपनी लिस्ट है उसको प्रिंट करते हैं. ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमने रीअसाइनमेंट ऑपरेशन परफॉर्म किया था वो सक्सेसफुल रहा. ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अपन कैसे रीअसाइन करवा सकते हैं लिस्ट की वैल्यूज को. ओके, जैसे हमारे पास कोई स्ट्रिंग लिस्ट है, ललित अंकित. ओके, और मैं चाहता हूँ मेरी जो लिस्ट है यहाँ पे मैं अंकित की जगह पंकज को असाइन करवाना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली नेम्स. ठीक है, इंडेक्स वैल्यू क्या है अंकित की? 1. ठीक है, एंड इसमें असाइन क्या करवाना है? पंकज. ओके, एंड देन अपन प्रिंट करते हैं अपनी नेम्स लिस्ट. ओके, एंड जो अपना सेकेंड ऑपरेशन है वो क्या है? लिस्ट कैन बी एडिट एंड मल्टीप्लाई इन द सेम वे इज स्ट्रिंग. ओके, हमने अपने प्रीवियस वीडियोज में देखा था कि स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन एंड स्ट्रिंग मल्टीप्लीकेशन, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. जैसे देखो मेरे पास एक स्ट्रिंग है एक्स लाइफ. ठीक है, एंड जो सेकेंड स्ट्रिंग वेरिएबल है ये हवाई, ये कंटेन कर रहा है रोल. ठीक है, अगर मैं x प्लस y परफॉर्म करूँगा तो ये क्या करेगा? इन दोनों स्ट्रिंग को ऐड कर देगा. ठीक है, ऐसे ही अपन सिंपली मल्टीप्लीकेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, मल्टीप्लीकेशन बेसिकली रेफर्स टू हाउ मेनी टाइम्स वी वॉन्ट द स्ट्रिंग टू प्रिंट ऑन द टर्मिनल. तो x मल्टीप्लाई टू लाइफ लाइक. ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? x इंटू 4. तो ये स्टेटमेंट क्या करेगा? जो x में स्ट्रिंग है ना, जो स्टोर है, उसको 4 बार प्रिंट कर देगा. ठीक है, ये सेम ऑपरेशन अपन लिस्ट के साथ में भी परफॉर्म कर सकते हैं. जैसे देखो मैं एक सिंपली लिस्ट बनाता हूँ 2 4 6 8. ओके, एंड जो सेकेंड हमारी लिस्ट है वो रहेगी 1 3 5 7. ठीक है, अगर मैं इन दोनों लिस्ट को ऐड करता हूँ तो दिस विल बिकम्स ए सिंगल लिस्ट. ओके, x प्लस वाई, तो ये देखो ये सिंगल लिस्ट बन गई ना. ठीक है, अगर मैं कुछ ऐसा करता हूँ एक्स प्लस 4 5 6 7, तो ये भी क्या होगा? ऐड हो जाएंगे, तो लिस्ट ऐड हो जाएंगे. ठीक है, ये देखो 2 4 6 8. 2 4 6 क्या है? ये एक्स वाले एलिमेंट है, और ये बचे हुए 4 5 6 7 ये वाले एलिमेंट है. ठीक है, ये दोनों ऐड हुए और सिंगल लिस्ट बन गए. ठीक है, ऐसे ही अपन सिंपली मल्टीप्लीकेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं कि कितनी बार अपन को वो लिस्ट प्रिंट करवानी है. ठीक है, यहाँ पे मैं सिंपली प्रिंट करता हूँ x इंटू 2. ठीक है, जो हमारी x लिस्ट थी ये वाली, ये 2 बार प्रिंट हुई है. ठीक है, 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8. ओके, लिस्ट्स एंड स्ट्रिंग आर सिमिलर इन मैनी वेज. कि लिस्ट एंड जो हमारा स्ट्रिंग है वो सिमिलर है कुछ वेज में. ठीक है, जैसे स्ट्रिंग को भी अपन
इंडेक्स वैल्यू के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, लिस्ट को भी अपन इंडेक्स वैल्यू के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये जो लिस्ट है इसको भी अपन कॉन्कैटिनेशन कर सकते हैं, मतलब दो लिस्ट को ऐड कर सकते हो, स्ट्रिंग को भी ऐड कर सकते हैं। स्ट्रिंग पे भी अपन मल्टीप्लाई परफॉर्म कर सकते हो, और ये जो हमारा लिस्ट है इस पे भी अपन मल्टीप्लाई परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, एंड जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन है वो है टू चेक इफ ए एलिमेंट एग्जिस्ट इन ए लिस्ट और नॉट, कि हम चेक करेंगे कि हमने जो एलिमेंट दिया है वो लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। जैसे देखो, मैं एक सिंपल इंटीजर लिस्ट बनाता हूँ 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, अब मैं चेक करता हूँ 2 in x कि जो 2 है वो x के अंदर है या नहीं है, एग्जिस्ट करता है या नहीं है। अगर एग्जिस्ट करता है तो ये इन ऑपरेटर क्या करेगा, ये ट्रू रिटर्न कर देगा, वरना फॉल्स रिटर्न करेगा। 2 है, ये 2 हमारी लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, वैसे सिमिलर मैं क्या करता हूँ 1 in x, 1 एग्जिस्ट करता है क्या हमारी एक्स लिस्ट के अंदर, नहीं करता ना, तो ये क्या करेगा, सिंपली फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, और मैं एक लिस्ट बनाता हूँ जैसे नेम नाम की, ललित, लखी, सोनू, रोहित, सूरज। ओके, तो अभी मेरे को चेक करना है कि लकी नेम है वो मेरे नेम्स लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, तो मैं क्या करूँगा, लकी इन नेम एग्जिस्ट करता है, मतलब ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, अब मेरे को चेक करना है कि अंकित नेम है वो मेरे नेम्स लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो इसने रिटर्न किया फॉल्स। ओके, एंड ओवर नेक्स्ट ऑपरेशन इज टू चेक इफ एन आइटम इज नॉट इन ए लिस्ट। ठीक है, अगर हमने कोई आइटम इसको दिया है अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। जैसे देखो, मैं एक लिस्ट बनाता हूँ सिंपल 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, हमारा जो थर्ड ऑपरेशन था वो क्या था, टू चेक इफ एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन ए लिस्ट और नॉट। ठीक है, इसमें हमने क्या किया था, इन ऑपरेटर यूज में लिया था। इन ऑपरेटर क्या करता है, चेक करता है जो हमने ये जो एलिमेंट दिया है वो एक्स के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर एग्जिस्ट करता है तो ये इन ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करेगा, वरना फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, लेकिन हमारा जो फोर्थ ऑपरेशन वो क्या है, टू चेक इफ एन आइटम इज नॉट इन ए लिस्ट। ठीक है, इसमें अपन कौन सा ऑपरेटर यूज में लेंगे, नॉट इन। ठीक है, नॉट इन ऑपरेटर क्या चेक करेगा कि जो हमने एलिमेंट दिया है, जो हमने आइटम दिया है वो अगर लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है तब नॉट इन ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करेगा, वरना फॉल्स। जैसे देखो, टू नॉट इन एक्स तो सही है क्योंकि टू एग्जिस्ट नहीं करता एक्स के अंदर। ठीक है, तो ये क्या करेगा, नॉट इन ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, अब मैं जैसे लिखता हूँ 1 not in x, लेकिन 1 तो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।